चैनल, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेयर मास्क जो कि मैंने रिसेंटली फ्लिपकार्ट से परचेस किया है, और क्योंकि ये काफी अफोर्डेबल ऑप्शन भी है तो मैं आपके साथ इसका जो क्वांटिटी है और जो क्वालिटी है ये भी शेयर करूंगी इस वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज कीप वॉचिंग। तो ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे आज ही रिसीव हुआ है और ये मैंने परसों ऑर्डर किया था, और क्योंकि दिल्ली में डिलीवरी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है तो ये मुझे आज सुबह ही रिसीव हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह के फ्लिपकार्ट के पैकेट में आया। मैंने इसको ओपन कर दिया बट मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक्चुअली में ये प्रोडक्ट किस तरह का दिखता है। तो गाइस ये वो प्रोडक्ट है, ये वो हेयर मास्क है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो मैं अब आपको इसको खोल के दिखा देती हूँ कि ये कैसा दिखता है, और मैं आपको इसका एप्लीकेशन भी शेयर करूंगी और उसके बाद इसका जो क्या रिजल्ट आ रहा है वो भी मैं आपको। सो गाइस एप्लीकेशन डेमो दिखाने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि ये इस तरह की बॉटल में है, और ये ब्लैक और कॉफी कलर की बॉटल है जिसपे पीछे इंग्रीडियंट लिस्ट है और ये भी लिखा हुआ है कि किस तरह से इसे अप्लाई करना है। सब कुछ 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में मेंशन किया हुआ है, और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की है और ये कैसे अप्लाई होगा। सो गाइस एज यू कैन सी, आप देख सकते हो ये काफ़ी क्रीमी है, इसका कलर वाइटिश क्रीमिश में है थोड़ा सा, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये मैं आपको बता दूँ बिल्कुल किसी भी रेगुलर कंडीशनर जैसी है, या अगर आपने कोई भी हेयर मास्क या हेयर स्पा यूज़ किया हो बिल्कुल वैसी ही है। काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है, काफ़ी क्रीमी है, काफ़ी थिक टेक्स्चर है इसका। मैंने यहाँ पे ये मास्क ले लिया है तो मैं अब आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि ये कैसे अप्लाई होगा। ऑल्सो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसके और बेनिफिट्स क्या हैं, या अगर आप रेगुलरली हेयर मास्क या फिर इस तरह के हेयर पैक्स लगाते हो तो आपके हेयर में क्या क्वालिटी आएगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल फोकस स्ट्रेट हो जाएंगे, अगर आपके बाल कर्ली हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। आपके बाल जैसे भी हैं, जिस भी टेक्स्चर के हैं, वो बाल वैसे ही रहेंगे, बस उनकी जो क्वालिटी है ये इम्प्रूव हो जाएगी। तो हेयर मास्क का बेसिकली यही काम होता है, तो प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें आउट ऑफ अ हेयर मास्क। द ओनली यू नो बेनिफिट ऑफ अ हेयर मास्क इज कि अगर आप उसको रेगुलरली यूज़ करेंगे तो वो आपका जो हेयर टेक्सचर है या जो हेयर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है। तो बिना ज़्यादा बकवास किए मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसको कैसे अप्लाई करना है, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसा इसका रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले आप इस तरह से अपने बालों को ऊपर से क्लच करके सेक्शन कर लीजिए, और मैं आपको एक सेक्शन में अप्लाई करके दिखा रही हूँ कि कैसे आपको इसको अप्लाई करना है। तो इस तरह से एक पूरा सेक्शन लेने के बाद मेक श्योर कि आप स्कैल्प के ज़्यादा पास ना इसको अप्लाई करके मिड लेंथ से एंड तक अप्लाई करें। अगर आप स्कैल्प के पास ज़्यादा अप्लाई करोगे तो क्योंकि इसका जो टेक्सचर होता है ये बहुत ही ज़्यादा ऑयली होता है, तो अगर आपकी स्कैल्प में ऑयल ये चला जाएगा तो इसको निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर ये ऑयल नहीं निकला तो आपके स्कैल्प में डैंड्रफ और इचनेस हो सकती है। ऑल्सो आपकी जो स्कैल्प है ये हेयर वॉश के बाद भी काफ़ी ऑयली हो सकती है। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको मिड लेंथ से एंड तक कैसे इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोल ले लिया है, अब मैं इसको धीरे धीरे आपको अप्लाई करके देखती हूँ। तो इस तरह से मिड लेंथ से होते हुए एंड पर इसको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके एंड पर अप्लाई कीजिए। गाइज मेक श्योर जब आप कोई भी हेयर पैक या कोई भी ऐसा हेयर मास्क अप्लाई कर रहे हो तो उसको आप अच्छे से ज़्यादा अबंडेंस में यूज़ कीजिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अगर आप लगाओगे और प्रोडक्ट बचाने की कोशिश करोगे तो ना ही वो आपके बालों को कुछ बेनिफिट पहुँचाएगा और वो घर पे पड़ा पड़ा वेस्ट हो जाएगा। सो उससे बेटर है कि अगर आपके पास थोड़ा भी प्रोडक्ट है उसको पूरी तरह से यूज़ कीजिए। आप उसको ज़्यादा दिन तक रख के उसको ख़राब करने से अच्छा है कि आप अपने बालों में उसका पूरा बेनिफिट लें। तो मैं आपको और एक सेक्शन लेके दिखाती हूँ करके, जैसे मैंने यहाँ पर सेम इक्वल सेक्शन लिया है और मैं अब वापस इसको उसमें अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो अब मैं इसी तरह से पूरे बाल में अप्लाई कर लूंगी और उसके बाद मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट क्या। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसको पूरे बालों पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है। आपको भी इसी तरह से एक एक सेक्शन करके पूरे हेयर पे लगाना है और फिर इसको वॉश करना है। तो मैं जल्दी से जाके इसको वॉश करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा इसका जो रिजल्ट है वो आया है। ऑल्सो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसकी प्राइस क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो प्लीज कीप वॉचिंग और एंड तक वीडियो को। सो गाइज आई एम बैक, मैंने इसको वॉश करके निकाल दिया है और मैंने जो शैम्पू यूज़ किया है वो मेरा रेगुलर शैम्पू है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, और मैंने उसके बाद कंडीशनर के साथ इसको फॉलो अप नहीं किया है। मैंने एज इट इज़ उसको वॉश करके और एयर ड्राई कर लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका कैसा रिजल्ट आया है। वैसे ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगी कि इतना
बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया है, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि बालों को अगर इसने स्मूदनेस दी है तो हाँ बिल्कुल स्मूदनेस दी है बालों को, और नीचे के जो एंड्स होते हैं जो जनरली बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, तो एज आई कैन फील नाउ कि ये काफ़ी स्मूद लग रहे हैं, और क्योंकि मैंने पैक को लगाते वक्त भी नीचे काफ़ी कॉन्सेंट्रेट करके लगाया था और इसको मैंने एटलीस्ट 30 मिनट्स तक रखा है वॉश करने से पहले, तो हाँ बाल काफ़ी स्मूद हैं। बट एक चीज़ इसकी ड्रॉबैक मुझे ये लगी कि ये थोड़ा सा रह जाता है बालों में, और अगर आपको उसको पूरी तरह से निकालना है तो आपको प्रॉपरली इसको वॉश करके ट्वाइस थ्राइस वॉश करके निकालना पड़ेगा। बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि बालों को इसने डेफिनेटली स्मूथ किया है, और आई कैन रियली सी द डिफरेंस कि मुझे बालों में बहुत स्मूदनेस फील हो रही है। हाँ अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं और सिल्की हैं तो आपके बाल और भी ज़्यादा स्ट्रेट और सिल्की हो जाएंगे, क्योंकि ये स्मूथ तो डेफिनेटली। फाइनली मैं आपको इस प्रोडक्ट का प्राइस रिवील करने वाली हूँ। सो ये जो प्रोडक्ट है ये है सिर्फ 300 रुपीज़ का, ये 1000 ml का प्रोडक्ट 300 रुपीज़ का है गाइस। सो गाइज़ अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप वहां से इजीली इसको चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।